इंडिया इस टाइम टॉप पे ही इसलिए जा रहा है, अगर वो किसी से एग्रीमेंट भी करता है वो पूरे प्रॉपर तरीके से करता है, अगर वो किसी के साथ करता है अपनी सहूलियत वो बड़े अच्छे तरीके से देता है। वो कहता है अगर कोई हमारे साथ इस तरह करेगा फिर वो डबल उसके साथ क्लैशेस में आ जाएगा, कि अगर आपने जो टैक्सेस पे बातचीत की थी आपको उसी पे ही रहना चाहिए था। और वो कह रहे हैं कुछ हिडन चार्जेस भी हैं, हिडन चार्जेस भी हैं जो क्या कहते हैं देखे गए हैं, उन्होंने पकड़े हैं और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में हम पूरी एक्शन लेंगे कि इस तरह हुआ क्यों है। नरेंद्र मोदी साहब दूसरी उनकी ये चल रहा है, ठीक है, दूसरा एक दौर उनका चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि उनको मुश्किल नहीं आई आसपास वालों ने करने की कोशिश, लेकिन वो स्टिल कंटिन्यूसली रहे। काफ़ी ज़्यादा इदारे हैं, आवाम भी उनका साथ देती है उनकी क्वालिटी पे, उनके जैसे तरक्की उन्होंने किया, नंबर वन है वो हीरो, भाई नाम उनका हीरो रखा जा रहा है, हीरो कहला रहे हैं वो। पाकिस्तानी आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हीरो, बिल्कुल क्योंकि वो एक इंसानियत का ख्याल रखते हैं। कितना ज़रूरी है जिस तरह भारत ने क्रैकडाउन किया है चाइना के ऊपर जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी क्रैकडाउन करे चाइना के ऊपर जो पाकिस्तान में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे कभी। क्यों? वो तो यही तो मैं कह रही हूँ, कहेंगे पता नहीं वहाँ से इमदाद आ रहा ना, बंद हो जाए हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ना बंद हो जाए, वो डर जाते हैं बेसिकली, कभी भी नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में भारत को सुपर पावर देख रही है? बिल्कुल देख रही है भाई, वो ऑटोमोबाइल में देख लें, टू और थ्री व्हीलर्स पे तीसरे चौथे नंबर पे है, ठीक है। अब वो हर एक लिहाज से अगर ग्रोथ के लिहाज से देखते हैं वो दूसरे नंबर पे है। रिलेटेड जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, ओप्पो की अगर बात की जाए, वीवो की बात की जाए, पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह हमारी नेबर कंट्री भारत के अंदर भी ये सेल फोन जो है वो जा रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर नोटिस किया तो पता चला टैक्स बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो पड़ रहा है, तो उसको उन्होंने मतलब जो है इसको बड़ा सीरियस उन्होंने इसको कंसिडर किया और क्रैक डाउन किया गया ये चाइना के जो मोबाइल भारत के अंदर जा रहे थे। किस तरीके से इस स्टेप को देखती हैं जहां हमारी नेबर कंट्री मेड इन इंडिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया, और जो चाइना की आ रही है उस पर कंटिन्यूस एक एक करके क्रैक डाउन वो करते जा रहे हैं? बिल्कुल, इससे अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, इंडिया जो है चाइना के बाद आ रहा था, ठीक है, अब वो अगर ले रहा है तो वो ये नहीं कि अंधाधुनी लेता रहेगा, वो बड़े स्मार्टली चलते हैं, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाते, यानी कि हम इतने अंधे होकर बैठ गए बस ले रहे हैं तो ले रहे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाते पूरी। उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, मैंने पढ़ी थी न्यूज़, पूरा सर्च किया है और पूरा क्रैकडाउन किया है कि इस तरह से आप ओवर टैक्सेस क्यों कर रही हैं, लॉ के भी एक तो खिलाफ है जो आपसे बात कम्युनिकेट हुई है। अब ये होगा कि भारत ये करेगा कि उसको अगर थोड़ा सा भी ये डाउट लगा है ना, अब वो चाइना से इसकी बंद कर देगा। ये न्यूज़ आपने भी गो थ्रू की है? जी, गो थ्रू किया, वो बंद कर देगा, क्योंकि उनको अपने खिलाफ कोई भी ऐसा नहीं चाहिए कदम जो उनके अगेंस्ट जाए या उनको नुकसान पहुंचाए। वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहे हैं, अगर हम देखें इंडिया इस टाइम टॉप पे ही इसलिए जा रहा है, अगर वो किसी से एग्रीमेंट भी करता है वो पूरे प्रॉपर तरीके से करता है, अगर वो किसी के साथ करता है अपनी सहूलियत वो बड़े अच्छे तरीके से देता है। वो कहता है अगर कोई हमारे साथ इस तरह करेगा फिर वो डबल उसके साथ क्लैशेस में आ जाते हैं। बाकी वैसे भी रूल की बात तो यही है कि अगर आपने जो टैक्सेस पे बातचीत की थी आपको उसी पे ही रहना चाहिए था। और वो कह रहे हैं कुछ हिडन चार्जेस भी हैं, हिडन चार्जेस भी हैं जो क्या कहते हैं देखे गए हैं, उन्होंने पकड़े हैं और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में हम पूरी एक्शन लेंगे कि इस तरह हुआ क्यों है। ये जो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर रही हैं इसकी प्राइस क्या है? जो जब ये मैंने लिया था, ये मैंने 30 में लिया था। आपको लगता है कि इस पे भी टैक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट? हाँ, पाकिस्तान में यही होता है ना, अगर ये जब भी आया, अभी बाहर मेड इन चाइना अब जितने का आएगा ये टैक्सेस लाजमी, यहाँ तो टैक्सेस का इशू है, कोई बिजनेस मैन कुछ भी आ जाए सबसे पहले यहाँ वही होता है कि टैक्सेस इशू है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, यानी कि डिवाइड है कि इसने इतने देने, इसने इतने, सबके इक्वली हैं, गरीब भी उतने देगा। क्या लगती है कि हमारा नेबर कंट्री भारत तो एक्शन ले रहा है हर चीज़ के ऊपर, लेकिन हम अगर अपनी गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, तो हम चाइना को क्यों नहीं मतलब इस तरह दो टोक सुना पाते कि आप इतने टैक्सेस जो लग रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, हम भी क्रैक डाउन करते हैं? सबसे पहले ना वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि हम तुम्हारे नीचे गिर गए हैं, आप हमें, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, बस आप हम जो कह रहे हैं ना, या वो दे दो थोड़ा सा मदद कर दो, इमदाद लेने के चक्कर और फिर कर्जे लेने के चक्कर थोड़ा सा ना इसमें हम बैठ गए हैं। वो देखते हैं अपने आप को, वो आवाम को नहीं देख रहे, इंडिया अपनी आवाम को देख रहा है, अपनी फैसिलिटीज सहूलतों को देख रहा है, ये देख रहा है हमें सीट चाहिए, हमें सीट उसी में लड़ना है, इतने साल उसी में गुजर गए हैं और हम बैक इसलिए आए हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर जो सीट पे बैठ ही गया तो उसको चांस तो दें। नरेंद्र मोदी साहब दूसरी उनकी ये चल रहा है, ठीक है, दूसरा एक दौर उनका चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि उनको मुश्किल नहीं आई आसपास वालों ने करने की कोशिश, लेकिन वो स्टिल कंटिन्यूसली रहे। काफ़ी ज़्यादा इदारे हैं, आवाम भी उनका साथ देती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नरेंद्र मोदी को लेकर? आप उन्हें लीडर मानती हैं या अगर एक कॉमन पाकिस्तानी की मैं ओपिनियन देखूँ तो कोई इतने पॉजिटिव वर्ड्स नहीं रखे जाते उनको लेके, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय तो ये है अगर
हम देखें ना उनकी क्वालिटी पे right. उनके जिससे तरक्की उन्होंने किया, नंबर वन है वो हीरो भाई, नाम उनका हीरो रखा जा रहा है, हीरो कहला रहे हैं वो. पाकिस्तानी आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हीरो? बिल्कुल, इससे क्यों? क्योंकि वो एक इंसानियत का ख्याल रखते हैं, ठीक है, वो अपनी आवाम को देख रहे हैं. यहाँ पे तो कहते हैं मुसलमानों पर बड़ा जुल्म करते हैं. नहीं, अब ये है कि आप फिर मुसलमान भी देख लेना, अगर हम उसकी बात करते हैं ना कि यहाँ पर कोई आता है मुसलमान, जब वो उधर करते हैं ये भी पूरा पूरा करते हैं हर एक लिहाज से, दोनों लड़ते तो हर एक लिहाज से. बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर हम उनकी टेक्निक तो देखें, फॉलो करें, हम भी उनसे काफ़ी दर्जे बेहतर हो सकते हैं, ठीक है. आपको नहीं लगता कि अगर मैं बाकी इस्लामिक कंट्री से आपसे बात करूँ, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वो ना सिर्फ उनको अपनी कंट्री में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुला रहे हैं बल्कि अवार्ड से भी मतलब नवाजा जा रहा है. अगर इतना ही मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म वो कर रहे हैं तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज क्यों उनको अवार्ड से नवाज रही हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऐसा ना हो. अब देखिए सऊदी अरब ने जब उनका आईपीएल हो रहा था पूरा, उन्होंने कहा कि आप इधर आके करें, वो ना भी करते, ठीक है. आपने यूए की बात की, वहाँ पर उनसे मुआहदा हो गया कि उन्होंने हमारी करेंसी वहाँ पर भी चलेगी उनकी, इंडिया की वहाँ पर भी उनसे मुआहदा हो गया. आप ये देखें, ऐसी बात नहीं है, बीच में काफ़ी ऐसे शिद्दत पसंद लोग हैं जो ये बात ज़्यादा करके फैलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है. क्योंकि आप देखें ना, आप पार्टीशन हो गई है, वहाँ पर भी रहते हैं इधर भी रहते हैं, थोड़ी हर चीज़ में लड़ाई झगड़े थोड़ी बहुत हर जगह होते हैं, घर में भी लड़ाई होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही आप उसको फारिग कर दें इंसान को, ठीक है. फिर हमें ये लग रहा है वो तरक्की कर रहे हैं, फिर कौन फारिग हुआ, हम ही फारिग हो रहे हैं. आपने जिस तरह उनको कहा कि वो हीरो आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको लगता है पाकिस्तान में भी किसी नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत है इस टाइम? बिल्कुल, क्यों नहीं ज़रूरत है, है. हम ये नहीं कह रहे कि आप वो, हो सकता है वो उससे भी अच्छा हो जाए अगर वो पूरे कंटिन्यूसली लॉ को देख के, लॉ यहाँ सबसे पहले बेहतर हो, ठीक है. कोई एक को रखा जाए, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही उसको रखा जाए, पूरा सेंस के साथ पूरे हम इदारे चलाएं, ठीक है, हर एक चीज़ को मैनेज लेके चलें, तो पता चले भाई यहाँ पाकिस्तान में एक निज़ाम चल रहा है. आईफोन का आपको पता चला होगा, अब आईफोन 15 की जो सारी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी भारत के अंदर मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हो रही है. कैसा लगेगा कि अगर आपके हाथ में आईफोन हो और मेड इन इंडिया हो? या बिल्कुल, ये अब देखें ना, हमारे लिए तो एक वही बात है ना, शर्म की एक बात है कि हम मेड इन पाकिस्तान कहीं शो नहीं करवा पा रहे हैं. हम भी ये चाहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान तो कहते हैं चावल जितना वहाँ पे है वो सारा पाकिस्तान का गया हुआ है, मेड इन पाकिस्तान है, वो उसको हटाते हैं, मेड इन इंडिया की स्टैंप लगाते हैं. ऐसी बातें हुक्मरान पाकिस्तानी आवाम को जो करते हैं, आपको कितनी हकीकत लगती है इन बातों में? मुझे तो यही लगता है, आप देखें ना, बात करने का मौका भी इंसान खुद ही देता है, ठीक है. अब ये चावल की आपने बात किया, उन्होंने कहा जो नॉन बासमती चावल है पाकिस्तान से रिलेट कर रहे हैं, बीच की बात ही उन्होंने बताई है, उधर उन्होंने उसको वो कर दिया, बैन कर दिया कि हम नहीं यहाँ पर करेंगे. क्यों? क्योंकि वो तो अपनी प्रोडक्शन बना रहे हैं. मे भी हो सकता है वो अपनी प्रोडक्शन बना रहे हूँ, या जब तक उस पर इंडिया का नाम नहीं आएगा वो आगे नहीं करेंगे. जब मैंने इस पर खुद जाके गूगल पे सर्च की तो दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर जो है राइस के अंदर वो इंडिया है, हमारा तो नाम भी 7वें 8वें 9वें नंबर पर जाके आता है. बिल्कुल, आप ये देखना, क्योंकि इन्होंने अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं कर रहे, उभार नहीं रहे हैं, वो अपनी लड़ाइयाँ उभारने में लगे हुए हैं. वो ये नहीं कह रहे कि हमारी जो क्वालिटी है, कुदरती चीज़ें हैं, हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें कि हमारा नाम एक पूरी दुनिया में करा जाए. थोड़ा सा पता नहीं यार, डर जाते हैं, स्टेप लेने से स्टेप नहीं लेते हैं, और चीज़ों में इतना फंस गए हैं कि ये ना सबसे जो एक मैं बताऊँ, इनमें ना आपस में एका नहीं है, वहाँ एक है, वो हर एक को, वो उनको पता हमने मुल्क को चलाना है तो लेके चलना ही चलना है, यहाँ आपस में एक दूसरे के खिलाफ. लास्ट पे मुझे ये बताएं, कितना ज़रूरी है जिस तरह भारत ने क्रैकडाउन किया है चाइना के ऊपर जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी क्रैकडाउन करे चाइना के ऊपर जो पाकिस्तान में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे कभी. क्यों? क्यों? यही तो मैं कह रही हूँ, कहेंगे पता नहीं वहाँ से इमदाद आ रहा ना, बंद हो जाए हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ना बंद हो जाए, वो डर जाते हैं बेसिकली, कभी भी नहीं करेंगे. मुसलमान होकर डर जाते हैं, बल्कि नहीं डरना चाहिए, आप पूरी हिम्मत से जाएं, अपना हक रख के बात करें, तो क्यों नहीं, मदद तो अल्लाह की तरफ से ही होती है ना. 75 साल में ये हिम्मत आपको कहाँ कहीं देखने को नजर आई? नहीं मिल रही ना, यही तो बात है, कौन स्टेप लेगा, किस तरह करेगा, हालात खराब होते जा रहे हैं और हम बिल्कुल बैक स्टेप होते जा रहे हैं. 7.5 लाख पाकिस्तानी अब तक ब्रेन ड्रेन हो चुका है, 8 लाख इस साल के अब तक के जो स्टैट्स हैं वो हैं. आपका भी कहीं प्रोग्राम तो नहीं है पाकिस्तान से जाने का? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल हमारा यहीं रहने का, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इतने हैं, वो बाहर जाने के लिए यहाँ पर रहें, उनका यूज़ करें, भले कि यहाँ कोई इंजीनियर या उभर पड़ता है या तो वो गायब हो जाता है, नज़रबंद हो जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं लगती. यहाँ पर उसको अप्रिशिएट नहीं किया था, पॉलिश नहीं किया था, उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, इसलिए वो फिर बाहर चले जाते हैं, ठीक है. अगर यही निज़ाम चलता रहा तो फिर हमें नहीं लगता कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं. हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए, सारे इदारों को मिलकर सोचना चाहिए. फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? अभी अगर इस तरह से चलता रहा तो
बहुत बुरा है, क्योंकि ना इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो क्या करें। अब बेसिकली काम बड़ों का होता है ना, घर में सारा सेटल करके रखना, तो अभी हुकूमत का काम है। आने वाले टाइम में भारत को सुपर पावर देख रही है? बिल्कुल देख रही है भाई, वो ऑटोमोबाइल में देख लें, टू और थ्री व्हीलर्स पे तीसरे चौथे नंबर पर है, ठीक है। अब वो हर एक लिहाज से, अगर ग्रोथ के लिहाज से देखते हैं, वो दूसरे नंबर पर है भाई, नंबर वन पे चाइना के लेवल पर आ सकते। कोई लास्ट मैसेज देना चाहिए?